तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यह भवस त्रिपुरा विद्या मंदिर का 2019 का न्यू ड्रेस है। ये गर्ल्स के लिए है, ये पेन कॉलर है। आज मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा दिखाऊंगी। वीडियो को पूरा वॉच करना ना भूले। तो फिर चलिए देखते हो किस तरह से काट करना है और सिलाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा सीख लेते हैं। फेब्रिक को मैंने टू फोल्ड किया, यहाँ से देखिए ओपन साइड है और यहाँ से जॉइंट साइड है। तो पहले मैं बैक पार्ट काटूंगी। लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है, तो आपका जितना टोटल लेंथ होता है उससे मिनिमम आपको 2 इंच ज़्यादा लेना है। यहाँ पर देखिए मेरे 25 है, तो मैं 27 रखूँगी, 2 इंच ज़्यादा रखूँगी। इसको बराबर सीधा कर लेना है। अभी जितना शोल्डर है, शोल्डर का हाफ लेना है। ये जो शर्ट है इसका शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ 7। इसके साथ हमें सिलाई मार्जिन 1/2 इंच ऐड करना है, तो टोटल मैं 7.5 इंच रखूँगी इतना तक। अभी देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच शोल्डर डाउन कर लूँगी। कॉलर शर्ट पे 1 इंच डाउन करने से फिटिंग अच्छा होता है, तो मैंने 1 इंच डाउन किया। उसके बाद यहाँ से आर्म होल लेना है। आर्म होल मैं 7.5 रखूँगी। उसके बाद मेजरमेंट लेके चेक करके देखना है, जितना हमें ज़रूरी है उतना है। तो इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए मैंने आर्म होल ज़्यादा लिया, आपको अपने हिसाब से आर्म होल लेना है। अभी छाती की मेजरमेंट लेना है, ये 30.5 इंच है छाती के मेजरमेंट का, मैंने 1/4 हिस्सा लिया। उसके बाद इसमें देखिए मैं 1/2 इंच रखूँगी ज़्यादा सिलाई मार्जिन के लिए। शर्ट पे हमेशा आपको 1 इंच लूज लेना है, दोनों साइड मिला के यहाँ पे 1 इंच होगा, इसलिए मैंने 1/2 इंच लिया। उसके बाद देखिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। अभी यहाँ पे आर्म होल पे गुलाई देना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ से इस तरह से देना है, इस तरह से। तो ये जो शर्ट है इसका आर्म होल 15 था, तो हमें अभी चेक करके देखना है 15 है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर सिलाई पर 1/2 इंच दाबेगा शोल्डर पर, तो यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ देना है। उसके बाद जब आस्तीन जॉइंट होगा उस टाइम पे यहाँ पे भी 1/2 इंच, लगभग 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई पे दाबेगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे चेक करके देखना है। यहाँ पे देखिए जितना हमें चाहिए था उतना ही है यहाँ पे। अभी देखिए नेक का चौड़ाई लेना है, तो ये मैं 2.5 रखूँगी, हल्का सा मैं लूज रखूँगी 2.5। अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है। अभी नेक डिप देखिए मैं 1 इंच से 2 सू ज़्यादा रखूँगी, आप अपने हिसाब से अगर बैक साइड पे थोड़ा हल्का सा ज़्यादा लेना चाहते हो ले सकते हो, इस तरह से गोलाई पे देना है। अभी देखिए यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे सीधा भी रख सकते हो, या चाहो तो हल्का सा यहाँ पे शेप भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं हल्का सा शेप लगाऊंगी 6.5 इंच। देखिए आर्म होल से 6.5 इंच नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे मैं लगभग 1.5 इंच कम कर दूंगी। उसके बाद बराबर इसको मिलाना है। इस तरह से अभी इसको काट कर लेना है। अभी देखिए बैक पार्ट के हिसाब से हमें फ्रंट पार्ट काटना है। पहले यहाँ पे निशाना देना है, चाहो तो मैं डायरेक्ट भी काट सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया यहाँ पे, क्योंकि इसमें बटन होगा इसलिए हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। तो अब इसको काट कर लेना है। अभी यहाँ पे देखिए फ्रंट के लिए डीप लेना है, ये मैं 3 इंच रखूँगी। आप चाहो तो इस तरह से भी दे सकते हो,
जिस तरीके से आपको शेप चाहिए उसी हिसाब से आप दे सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ से और भी इस तरह से थोड़ा सा सीधा करके भी इसको दे सकते हो, अपनी पसंद के हिसाब से ये आप दे सकते हो। यहाँ पे देखिए पहले 2 इंच छोड़ देना है, 2 इंच, इसको इस तरह से रखूंगी मैं। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, लेकिन इस तरह से देने से जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे उस टाइम पे ये फैब्रिक कम नहीं होता है। अभी फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देना है, यहाँ से देखिए मिनिमम 1.25 इंच अंदर की तरफ से लेना है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो बटन के लिए लिया था अलग से लिया था, इसको पहले फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, लूंगी बाद में इसको खोल लेना है। तो देखिए कितना कितना तक हमें फोल्ड करना है, 1.5 इंच तक मैं फोल्ड करूँगी, बाकी जितना है ये रख देना है। तो पहले देखिए यहाँ से इस तरह से पहले फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इस तरह से आयरन करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन वह मैं पहले कच्चा सिलाई लगा लूँगी तब इजी होता है। अभी बैक और फ्रंट शोल्डर ज्वाइन करना है। अभी देखिए मैंने ये कैनवास लिया, यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से जॉइंट साइड है, बिल्कुल मिडिल में से यहाँ से लेना है। अभी देखिए इस तरह से ये जो मैंने सिलाई किया था इसको बराबर मिलाना है, यहाँ पे निशाना देना है। तो इतना हमें छोड़ देना है, इतना तक नहीं चाहिए। तभी जितना चौड़ाई का आप कॉलर लेना चाहते हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं 2.5 इंच की रखूँगी।
अब यहाँ पे देखिए हल्का सा गोलाई देना है। अब इसको काट कर लेना है।
बिल्कुल मिडल में से हल्का सा काट लगाना है। अब ये बैक पार्ट, इसमें भी हल्का सा काट मैंने पहले ही लगाया था, तो इसमें देखिए हल्का सा काट मैंने पहले दिया था, और भी थोड़ा काट लेते हूँ। अभी देखिए बिल्कुल मिडल में से हमें सिलना है। इस तरह से अभी इसके लिए उरे पट्टी काटना है।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कॉलर तैयार हो गया है। अभी हमें आस्तीन तैयार करना है। तभी देखिए, ये मैंने स्लीव्स के लिए, फैब्रिक के लिए ये फोर फोल्ड किया। यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से जॉइंट साइड है। तो यहाँ से मैं लंबाई रखूँगी, यहाँ से मैं चौड़ाई रखूँगी और यहाँ से मैं मोहरी रखूँगी। तो स्कूल में जिस तरीके से डिज़ाइन किया, स्कूल के डिज़ाइन के हिसाब से ये लगभग पॉप स्लीव्स की तरह है, लेकिन पूरा ये पॉप स्लीव्स नहीं है। उसी हिसाब से हमें लेना है। सबसे पहले मैं लंबाई रखूँगी, तो लंबाई यहाँ से देखिए लगभग 7.5 इंच से एक सूत कम हुआ है। उसके बाद यहाँ से चौड़ाई देखिए कितना लेना है। ये आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हो। 12.5 इंच है और इधर भी मैं सेम ही रखूँगी, बराबर लेना है 12.5। अभी देखिए इसे हल्का सा मैं शेप लगा लूँगी, इसमें कोई इतने मेजरमेंट नहीं चाहिए। यहाँ से हल्का सा शेप लगा लेना है। अभी इसको काट कर लूँगी। यहाँ पे भी दोनों क्लिप्स को अलग कर लेना है। ये मेरे स्लीव्स तैयार हो गया है। अभी फ्रंट के लिए थोड़ा सा शेप देना है। अभी मिडल पे कट लगा लेना है। अभी शोल्डर पे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने जॉइंट दिया, ये आप चाहो तो थोड़ा सा बैक साइड पे डिप करके ये फ्रंट की तरफ भी आप दे सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल सीधा रखा शोल्डर की तरफ। तो ये मिडल पॉइंट है और ये फ्रंट के लिए मैंने काट किया था। इसको मैं बिल्कुल यहाँ से रखूँगी, यहाँ से। उसके बाद यहाँ से जितना भी चाहिए फैब्रिक उसी हिसाब से मैं प्लेट्स लगाऊँगी। इस तरह से प्लेट्स बना लूंगी मैं इस तरीके। तो यहाँ पे देख सकते हो गया है। अभी देखिए जितना हमें मोहरी के लिए चाहिए उसी हिसाब से मैं यहाँ पे रखूँगी। देखिए यहाँ से मैं 6 इंच, टोटल में 6 इंच फैब्रिक छोड़ दूँगी सिलाई मार्जिन लेके। इतना हमें नहीं चाहिए, हमें 8 इंच चाहिए फिटिंग्स, फिर भी मैंने अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया। अभी मोहरी पे अलग पट्टी चाहिए। यहाँ पे देखिए मोहरी पे हमें फिटिंग्स के लिए 8 इंच से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैं 4 से थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, 2 सूत में ज़्यादा रखूँगी। ये बाकी जितना है ये पूरा एक्स्ट्रा है। तभी देखिए मैंने ये फैब्रिक लिया,
ये सीधी साइड है, इसको इसके नीचे रखना है। यहाँ से मैं थोड़ा छोड़ दूंगी, इतना नहीं चाहिए, बिल्कुल मिडल में से मैं रखूंगी। और एक बात, ये जो मैंने पोटी लिया, ये देखिए कितना इंच का लिया था, ये मैंने 2.5 इंच का लिया था, देखिए 2.5 इंच, इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए हो गया। अभी दूसरा आस्तीन भी सेम तरीके से सील लेना है। अभी देखिए दोनों साइड ज्वाइन करना है, बैक और फ्रंट दोनों का फैब्रिक एक साथ ज्वाइन कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे मोहरी पे सिलाई देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सिर्फ अभी बटन लगाना है और बटन होल्ड करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।